अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और कल लॉन्च हुआ वन प्लस नॉर्ड और उसका मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, तो उस पर कुछ लोगों के रिएक्शन कुछ इस तरह के आए कि शाहरुख भाई तुम शाओमी के चमचा हो, इसलिए तुमको वन प्लस नॉर्ड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगेगा, तुमको तो रेडमी के 20 प्रो ही अच्छा लगेगा। तो सच्चाई क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सच्चाई ये है ना कि जी हाँ, मैं शाओमी का चमचा हूँ और जी हाँ, रेडमी के 20 प्रो मुझे ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इनकी कंपैरिजन कि Redmi K20 Pro ज़्यादा अच्छा है या फिर OnePlus Nord। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को या फिर Xiaomi के चमचे के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइज, बहुत ही लोग ये पूछ रहे थे कि 25,000 या 27,000 के आसपास Redmi K20 Pro भी आ रहा है और यहाँ पे OnePlus Nord भी आ रहा है, तो हमें कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। अब एक वर्ड में किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता कि Redmi K20 Pro बाई कर लो या फिर OnePlus Nord बाई कर लो, ऐसा कोई भी एक वर्ड में सवाल का जवाब आपको नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा डीपर जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बुरी हैं दोनों ही डिवाइसेस एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो अगर सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो दोनों ही डिवाइसेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, लाजवाब है और मुझे बहुत ज़्यादा इशूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो Redmi K20 Pro है वो Gorilla Glass 5 फ्रंट में भी बैक में भी है, लेकिन जो फ्रेम है गाइस वो मेटल का बना हुआ है। लेकिन जो OnePlus Nord है गाइस, उसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और उसमें भी गाइस Gorilla Glass 5 है फ्रंट एंड बैक में। लेकिन जो OnePlus Nord है फ्रेम तो प्लास्टिक का है, बट यहाँ पे आपको जो है बटन्स मिलते हैं वो आपको मिलता है गाइस पूरा का पूरा मेटल का, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन अगेन, अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो मैं जाऊँगा Redmi K20 Pro के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जो Redmi K20 Pro को बिल्ड किया गया है, साथ ही साथ गाइज उसमें भी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, लेकिन उसका जो स्क्रीन है आपको किसी भी तरह का कटआउट नहीं मिलता है, कोई भी नॉच नहीं है, किसी भी तरह का पंच होल नहीं है, वो पूरा का पूरा गाइज फुल स्क्रीन डिवाइस है 6.4 इंचेस का। और ये जो OnePlus Nord है जो 6.4 इंचेस का डिवाइस है, ये भी फुल स्क्रीन है, लेकिन इसमें आपको पंच होल मिलता है जो कि कैप्सूल शेप का, जिसमें आपको ड्यूल कैमरा दिया गया है, जबकि गाइज यहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा मिलता है Redmi K20 Pro में। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में मैं सजेस्ट करूंगा गाइज कि आपको Redmi K20 Pro के साथ जाना चाहिए। और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही नहीं गाइज, अगर आप डिज़ाइन भी देखेंगे तो जो फ्लेम रेड का डिज़ाइन है Redmi K20 Pro का, वो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक है। हालांकि डिज़ाइन OnePlus Nord का भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब बेकार नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बट टिपिकल OnePlus के फोन्स की तरह या Realme के फोन्स या Oppo के फोन्स की तरह ही वो देखने में लगता है, बट Redmi K20 Pro काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। तो इस वजह से भी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में Redmi K20 Pro इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अगर बात कर ले आगे डिस्प्ले की, तो दोनों का ही जो डिस्प्ले है गाइज वो है 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर AMOLED डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे 90 हर्ज मिल जाता है OnePlus Nord में और 60 हर्ज मिलता है यहाँ पे आपको Redmi K20 Pro में। लेकिन अगर बात कर ले HDR10 की, तो सिर्फ और सिर्फ Redmi K20 Pro में HDR का सर्टिफिकेशन मिलता है, यहाँ पे OnePlus Nord में किसी तरह का HDR का सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको AMOLED का P3 जो है आपको मिल जाता है और कलर गैमेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, दोनों में ही मिलता है गाइज, इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो ये जो स्क्रीन है साइड बाय साइड देखने के बाद ही पता चलेगा कि किसका ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छा है, किसका कलर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा है। तो स्क्रीन के मामले में मैं दोनों को ही काफ़ी अच्छा कहूँगा, लेकिन क्योंकि इस रिफ्रेश रेट ज़्यादा है OnePlus Nord का, इसलिए मैं कहूँगा कि आपको OnePlus Nord के साथ जाना चाहिए अगर आप स्क्रीन में फ्लूइडिटी देखना चाहते हो। लेकिन चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के मामले में। तो परफॉर्मेंस के मामले में गाइस OnePlus Nord में आपको मिलता है Snapdragon 765G और यहाँ पे Redmi K20 Pro में आपको मिलता है Snapdragon 855। अब ये जो Snapdragon 765 है गाइस, वो Snapdragon 845 के करीब आता है, लेकिन 845 से अच्छा नहीं है, यानी कि 845 के बराबर भी नहीं है। जी हाँ गाइस, परफॉर्मेंस के मामले में जो Snapdragon 855 है Redmi K20 Pro का, वो तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है यहाँ पे Snapdragon 765G से, यानी कि लगभग 3,20,000 के आसपास आता है अगर आपको यहाँ पे Antutu स्कोर 765G का, तो लगभग 5,00,000 के पास आता है गाइस आपको Antutu स्कोर Redmi K20 Pro का। तो यहाँ पे आप बहुत ही बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। तो इस वजह से अगर आपको कोई परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आप गेमिंग बहुत ज़्यादा करें, बिकॉज Adreno 620 मिलता है Snapdragon 765G में यानी कि OnePlus Nord में, एंड Adreno 640 मिलता है आपको गाइज Snapdragon 855 में यानी कि Redmi K20 Pro में। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छा गेमिंग करना है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ज़्यादा अच्छा गाइज आपको फ्लूडिटी मतलब ओपन अगर एप्लीकेशन अगर ओपन करना है फास्ट, जो कि ज़्यादा लैग ना करें और काफ़ी अच्छा चले, तो उसके लिए आपको Redmi K20 Pro जो है यहाँ पे मिल जाता है।
साथ ही साथ अगर रैम की बात कर ले तो दोनों में LPDDR4X रैम मिल जाता है, 6GB का रैम सपोर्ट, 8GB का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और दोनों में गाइज UFS 2.1 देखने को मिल जाता है, जो कि 64GB, 128GB या 256GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि जो OnePlus Nord है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन ये है कि आपके पास 12GB तक का रैम सपोर्ट है, बट जब 12GB काफ़ी ज़्यादा ओवरकिल हो जाता है, बट अगर 30,000 दे रहे हैं तो 12GB लेना ही ज़्यादा सेंस बनता है। बट ओवरऑल गाइज आपके लिए 8GB 128GB भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, और अगर आप Redmi K20 Pro लेते हैं तो Snapdragon 855 के साथ काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस ये जो है देगा। लेकिन अगर उसके बाद बात कर ले गाइस, जी हाँ यहाँ पे परफॉर्मेंस में तो जीत जाता है यहाँ पे Redmi K20 Pro, बट अगर बात कर ले यहाँ पे कैमरा के बारे में, तो कैमरा के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। देखिए 48 मेगापिक्सल का सेंसर दोनों में ही मिल जाता है, सोनी का IMX586, लेकिन जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, यानी कि आपका हाथ शेक करे तो वीडियो शेक ना करे, वो जो OIS है गाइस सिर्फ और सिर्फ OnePlus Nord में मिलता है, और इस प्राइस रेंज में सिर्फ वही एक डिवाइस है जो कि इतनी अच्छी जो है चीज़ दे रहा है। OIS होना चाहिए, लेकिन आपको Redmi K20 Pro में सिर्फ और सिर्फ EIS मिलता है। तो मेन कैमरा में मैं कहूँगा गाइस, क्योंकि दोनों का ही सिमिलर रिजल्ट्स आना चाहिए, क्योंकि गाइस दोनों का ही काफ़ी हद तक सेम पिक्चर क्वालिटी आना चाहिए, लेकिन क्योंकि OIS दिया गया है यहाँ पे गाइस OnePlus Nord में, तो यहाँ पे OnePlus Nord मेन कैमरा में जीत जाता है। लेकिन अगर ऑप्शनल कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पे Redmi K20 Pro के पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आपको सबसे पहले तो 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है Redmi K20 Pro में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलता है गाइज OnePlus Nord में। उसके बाद आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है गाइज Redmi K20 Pro में, जो कि 2x जूम कर सकता है, लेकिन कोई भी टेलीफोटो जूम लेंस नहीं है यहाँ पे OnePlus Nord में, और उसके जगह पे आपको दे दिया गया है एक मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल का। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसका कैमरा सेटअप ज़्यादा अच्छा है, मेन कैमरा तो ज़्यादा अच्छा है गाइज OnePlus Nord का, लेकिन बाकी के कैमरा अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि ज़्यादा यूजेबल है Redmi K20 Pro का, ड्यू टू हायर रेजोल्यूशन ऑफ वाइड एंगल लेंस एंड अ टेलीफोटो लेंस। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ले फ्रंट कैमरा का, तो यहाँ पे जीत जाता है OnePlus Nord, बिकॉज 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, जबकि Redmi K20 Pro में सिर्फ और सिर्फ 20 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा, वो भी पॉपअप वाला मिलता है, जो कि काफ़ी स्लो पॉपअप है, तो ये थोड़ा सा जो है उससे ड्रॉबैक बनाता है। तो जी हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा ओवरऑल कैमरा में भी OnePlus Nord के पास एडवांटेज है, बट टेलीफोटो और वाइड एंगल लेंस में यहाँ पे Redmi K20 Pro के पास एडवांटेज है। एंड फाइनली गाइज, अगर हम लोग बात कर ले इसके बैटरी के बारे में, तो दोनों की बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेम होने वाली है। 4000mAh की बैटरी है Redmi K20 Pro में, 4115mAh की बैटरी है OnePlus Nord में, और गाइज यहाँ पे 30W का सपोर्ट करता है OnePlus Nord, और 27W का सपोर्ट करता है गाइज Redmi K20 Pro, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है चार्जिंग में, बैटरी में, तो इसे हम लोग टाई मानेंगे। हाँ, इतना कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जिसका ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज होगा तो ज़्यादा अच्छा उसकी बैटरी चलेगी, बट दोनों ही AMOLED है तो दोनों ही काफ़ी सफिशिएंट चलेगी, इसलिए बैटरी के मामले में दोनों ही एक दूसरे से टाई हो जाता है। एंड फाइनली गाइज, अगर हम लोग बात कर ले सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में, तो मैं भी मानता हूँ गाइज आजकल की OnePlus का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो ऑक्सीजन OS है, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है किसी भी MIUI से। MIUI पहले बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जब से ये एडवर्टीजमेंट वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से गाइज ब्लोटवेयर्स भरना शुरू हुआ है, तब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों का ख़राब हो गया, और Redmi K20 Pro का जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, और लोगों को काफ़ी जो है बुरा फील होता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैं दूंगा यहाँ पे OnePlus Nord को, हालांकि Redmi K20 Pro में किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं जो कि ऐसा लगता है कि ऐड है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि लगता है कि यार ऐसा ब्लोटवेयर क्यों है और स्लो सिस्टम क्यों है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको जो है OnePlus Nord मिलेगा। उसके बाद अगर कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे OnePlus Nord के पास कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि OIS है वो तो एडवांटेज है, हाँ भाई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, लेकिन 5G को सपोर्ट करता है OnePlus Nord। हालांकि इंडिया में अभी कोई भी 5G नहीं है, इसलिए गाइस बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, लेकिन जियो ने क्योंकि अनाउंस कर दिया है कि रोड टू 5G स्टार्ट हो चुका है, तो अगले एक साल में अगर देखने को मिल सकता है, तो जी हाँ, ये एडवांटेज बन जाएगा OnePlus Nord के लिए कि 5G देते हैं। फिर ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देते हैं, जबकि सिर्फ ब्लूटूथ 5.0 मिलता है यहाँ पे Redmi K20 Pro में, और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि Redmi K20 Pro में आई थिंक NFC नहीं है, और NFC का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है गाइज, लेकिन फिर भी एडवांटेज है जो लोग यूज़ करेंगे उनके लिए, जो लोग पेमेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं उनके लिए एडवांटेज है। और साथ ही साथ GPS में नाविक का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे नेविगेशन वगैरह जिनको इस्तेमाल करना है उनके लिए थोड़ा सा ये जो एडवांटेज बन जाता है OnePlus का फ़ोन। लेकिन फिर एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, और ये डिसएडवांटेज ये है गाइस कि OnePlus Nord में किसी भी तरह का हेडफोन जैक नहीं मिलता है, जबकि Redmi K20 Pro में आपको हेडफोन जैक मिलता है। तो भैया मैं किसको कौन सा स्मार्टफोन जो है सजेस्ट करूंगा,
दोनों में ही माइक्रो एसडी कार्ड नहीं है गाइज, और दोनों की प्राइसिंग काफ़ी हद तक सेम है। लेकिन एक चीज़ पे सबसे पहले आप लोग गौर कीजिए गाइज, कि जो रेडमी K20 प्रो है आज से एक साल पहले लॉन्च हुआ था, और एक साल पहले इतने खतरनाक स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च हुआ था। AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 855 गाइस, मतलब UFS 2.1 स्टोरेज, 6GB 8GB की रैम, 128GB तक की स्टोरेज, और पता नहीं क्या क्या गाइस, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा जिसमें आपको टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, पॉपअप कैमरा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सब कुछ Redmi K20 Pro में आपको मिलता था एक साल पहले। और तब रिव्यूअर्स ने क्या कहा था कि Redmi K20 Pro इज ओवरप्राइज्ड। एंड सैडली गाइज, सैडली बात यह है ना कि उन रिव्यूअर्स में से मैं भी एक था, मैं भी अपनी गलती मानता हूँ, मैंने भी कह दिया था कि Redmi K20 Pro overpriced है, बिकॉज हमने Redmi से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी जितना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, और इस वजह से काफ़ी लोगों को Redmi K20 Pro लगने लगा कि overpriced है। लेकिन यही चीज़ गाइज अगर हम लोग आज एक साल के बाद देख रहे हैं उसी प्राइस रेंज में 25 से 27 हज़ार के बीच में, तो OnePlus Nord रिव्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा महान लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन यहाँ पे Redmi K20 Pro उन्हें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि Redmi K20 Pro में ज़्यादा यूजेबिलिटी, ज़्यादा यूज़ केसेस है। तो मेरी ओपिनियन क्या है, ओपिनियन ये ना गाइस कि जिनको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको ज़्यादा अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए विथ हेडफोन जैक, उनके लिए Redmi K20 Pro है 25,000 के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग डिवाइस है। आप इस DR Plus Extreme में खेल पाओगे पबजी, जो कि OnePlus Nord आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला, बेस्ट गेमिंग वाला डिवाइस 25,000 के अंदर Redmi K20 Pro ही है, या फिर 28,000 के अंदर। लेकिन अगर आपको लेना है कोई ऐसा डिवाइस जो कि आपको कैमरा भी अच्छा दे और OIS दे, और साथ ही साथ गाइस OnePlus का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो, उसके लिए आप OnePlus Nord के साथ जा सकते हैं। जी हाँ, OnePlus Nord में कोई कमी नहीं है गाइस, डे टू डे यूजर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप OnePlus Nord सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो यह एक बेवकूफ़ी है। साथ ही साथ उसमें हेडफोन जैक भी नहीं है, तो लेटेंसी तो आपको देखने को मिलेगा ही, कोई भी ब्लूटूथ यूज़ कर लो। तो ओवरऑल गाइज OnePlus Nord उनके लिए बन जाता है ज़्यादा अच्छा जो कैमरा इंथोसियास्ट है, वो भी गाइज सिर्फ और सिर्फ मेन कैमरा, और साथ ही साथ फ्रंट कैमरा, और साथ ही साथ गाइज जिनको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए ऑक्सीजन OS का। बट ओवरऑल जो लोग टेकी है वो तो Redmi K20 Pro में भी ऑक्सीजन OS फ्लैश डल के चला रहे हैं, हालांकि सब कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसे कंसीडर नहीं किया। तो आज के वीडियो देखने के लिए शुक्रिया गाइज। ओवरऑल मुझे तो Redmi K20 Pro ही आज भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। Xiaomi का चमचा कहना है कहो, जिसका चमचा कहना है कहो। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।